पंजाब दे विच प्रदर्शन कर रहे किसानां नूं जिथे पंजाब पुलिस ने जबरी चुक के धरना खत्म करवा दिता है, उत्थे ही हरियाणा दे विच प्रदर्शन कर रहे किसानां दीआं खट्टर सरकार ने सारियां मंगां मान लईआं। कुरुक्षेत्र दे विच प्रदर्शन कर रहे किसानां दी वड्डी जित होई है। खट्टर सरकार किसानां दीआं मंगां दे सामने झुकण नूं मजबूर होई है। सारियां मंगां नूं मन लिया गया, जिस तों बाद किसान लीडर राकेश टिकैत ने दिल्ली जम्मू हाईवे ते धरना खत्म करन दा फैसला लै लिया, ऐलान कर दिता। सरकार खिलाफ मिली जित तों बाद किसानां ने खुशी दे विच आतिशबाजी भी कीती। किसान लीडर राकेश टिकैत समेत किसानां दे वफद दी प्रशासन दे नाल कई राउंड मीटिंग हुई, जिस तों बाद सरकार ने किसानां नाल वादा कीता कि किसानां तों सूरजमुखी दी फसल केंद्र वल्लों तय कीती MSP ते ही खरीदेगी। अंदोलन दौरान किसानां दीआं जिहड़ियां गड्डियां जब्त कीतियां गईआं ने उह किसानां नूं वापस कीतियां जाणगीआं। किसानां खिलाफ दर्ज कीते परचे भी वापस लए जाणगे। हालांकि गुरनाम सिंह चडूनी ते उहनां दे साथियां नूं लै के हाले भी घुंडी फसी हुई है। सरकार ने कहा कि मामला हाईकोर्ट दे विच है ते उहनां दी रिहाई नूं हाले कुछ दिन लगणगे। देखो फैसला ये लिया है, हमारा यहाँ पे ये आंदोलन था कि MSP पे खरीद शुरू हो, हमारा था कि MSP पे खरीद शुरू हो और हमने जो रेट मांगा है, जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा, ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में और हम आगे भी MSP पे लड़ाई पूरे देश का लड़ेंगे और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे, जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा, भारत सरकार का रेट है MSP वो देना पड़ेगा और MSP गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। वो इनकी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है, एक दो दिन में वे आ जाएंगे। आंदोलन समाप्त हुआ है, एक यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान आ गया जी, कैसा तूफान आ गया? किसानों का तूफान है ये, किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट, अगर नहीं मिला ये कोई किराए पर नहीं आने, फिर यही है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवाना चैलेंज होगा, वो भी उसपे एक आंदोलन होगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और MSP गारंटी का कोई नहीं, सरकार को नाम किसी सरकार को झुकाते ना किसान झुकता, ये एक समझौता है, हमारा हक है, उसको हमने मांगा, हम किसी को दिखाने का उसका काम नहीं करेंगे। और हमने उस समझौते पे डिमांड करी है, जो भारत सरकार के रेट है वो हमने मांगा है। केस सारों की बात हुई, सारे ही वापसी हुई, ये आ जाएंगे अभी, कहा को जल्दी है, एक आध दिन में आ जाएंगे। कुछ दिन पहला हरियाणा के किसानों ने गुरनाम सिंह चडूनी की अगुवाई दे विच वड्डा प्रोटेस्ट शुरू किया सी। मंग इक्को इक सी कि सूरजमुखी की फसल MSP ते खरीदी जाए। किसानों ने सरकार नूं अल्टीमेटम भी दिता सी, अल्टीमेटम खत्म होने ते उन्होंने दिल्ली जम्मू हाईवे जाम कर दिता सी। उस तो बाद पुलिस ने हाईकोर्ट का हवाला देंदे हुए किसानों नूं जबरी चुकिया ते गिरफ्तार कर लिया। जदों अदालत दे विच गुरनाम सिंह चडूनी नूं पेश किया गया तां अदालत ने उन्होंने जेल भेज दिता, पर गुरनाम सिंह चडूनी समेत उन्होंने साथियों ने जमानत लैण तों इनकार कर दिता। इस वक्त चडूनी अते बाकी किसान जेल दे विच ने। इस कारवाई तो बाद किसानां ने अंदोलन होर तेज कर दिता सी। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत दी अगवाई दे विच हरियाणा दे विच वख-वख सूबियां दे किसानां ने मोर्चा विढ दिता सी। आखिरकार हरियाणा सरकार ने किसानां दीआं मंगां मन लईआं ने ते धरना खत्म हो गया। पूरे 31 घंटे बाद दिल्ली अमृतसर मार्ग से आवाजाई बहाल हुई है। हरियाणा के किसानों नूं हुण सूरजमुखी ते 6400 रुपये प्रति क्विंटल का मुल मिलेगा। इधर पंजाब दे विच जिहड़ा पटियाला विच रोस धरना दे रहे किसानों ते पुलिस की कार्रवाई की गई है, उस दी निखेधी संयुक्त किसान मोर्चे ने की है। मोर्चे विच शामिल पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां दे वल्लों अज लुधियाणा दे विच हंगामी मीटिंग भी सदी गई है। किसान जथेबंदियां ने कहा कि सरकार किसानां दे नाल गलबात दौरान मन्नियां मंगां नूं लागू करन दा राह तैयार करन दी थां उल्टा आत्मघाती कदम पुट्टन दी राह पै गई है।